अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम फ़हीम है और आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही जो है ज़बरदस्त वीडियो है, ठीक है। तो ये देख लें, 3 ब्लूट है 9 mm के ना, तो इसके अंदर जो फॉल्ट हो रहा है वो आप वीडियो आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, आगे आगे देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलता रहेगा, ठीक है, कि ये क्या फॉल्ट कर रहा है और कैसे सही होगा। तो ये देख लें, मैंने 3 इसमें ब्लूट डाल दिए और जो है अभी मैं इसको 5 टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो देखें आगे आगे, ओके गाइस, देखें ये फायर तो हो गया है, लेकिन जो है ये पीछे चैम्बर लॉक नहीं हुआ। जैसे कि जब गोलियां पिस्टल के अंदर ख़त्म हो जाती हैं, एम्प्टी खाली हो जाता है पिस्टल, तो इसको चाहिए कि ये पीछे रुक जाए, पीछे लॉक हो जाए इस तरीके से। देखें इस तरीके से लॉक हो जाए, तो ये जो है लॉक नहीं हो रहा है। खाली जब हो रहा है पिस्टल तो ये लॉक नहीं हो रहा है। काफ़ी फ्रेंड मुझे उन्होंने कहा कि भाई इस पर वीडियो बनाएं, तो मैंने जो है इस पर एक वीडियो बनाई है छोटी सी, तो ये आप देख लें तो ये आपका मसला हल हो जाएगा। अगर किसी मेरे भाई के साथ ये प्रॉब्लम हो तो वो आसानी से जो है वो कर सकता है। इस तरीके से जो है ये खाली पे रुक जाना चाहिए पिस्टल, ठीक है। तो ये देखें, ये मैगजीन है, सही है, ये 9 mm का मैगजीन है, ब्रेटा पिस्टल है ये, पाक मेड, ठीक है। ये मैगजीन को देख लें आप, इसकी क्या कंडीशन है, ठीक है। तो ये जो है देखें, गौर से देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में आएगा, ठीक है। अगर आप इस पर गौर नहीं करेंगे तो आपसे मिस हो जाएगा, ठीक है। मैं देखें क्या कर रहा हूँ, ये हथौड़ी की चोट आगे की तरफ मार रहा हूँ, ठीक है। ये मैं इसलिए मार रहा हूँ ताकि ये जो इसका फ्रेम है ना, उसमें जो है लूजिंग आ जाए, ठीक है। स्प्रिंग तो इसमें डला हुआ ही है, और ये देखें प्लास है, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा प्रेस करा, इसके जो बुश या ऊपर वाला गुटका जो है उसको मैंने थोड़ा प्रेस करा, और प्लास से जो है इसका मुंह मैंने हल्का हल्का सा थोड़ा सा उस साइड से खोला और थोड़ा सा इस साइड से खोला। पहले ये जो है नीचे दबा हुआ था, ठीक है, अब जो है ये पूरा जो है ऊपर आ गया है, ठीक है। लेकिन मज़ीद और भी सेटिंग इसकी होनी है, ठीक है ना। मैं इसको एक दो बार चेक करूँगा, फिर जो है आपको बताऊँगा कि और इसको जो है सेट करना चाहिए या नहीं। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने इस तरीके से प्लास से जो है इसको खोल दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है अब मैं इसको चेक करता हूँ कि ये क्या कह रहा है, ठीक है गाइस। तो आप वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल समझ में आएगा, सही है। ये देखें, पहले थोड़ा सा खोला था इसको, अभी जो है हल्का सा और जो है इसको खोल दिया, ठीक है। तो अब इसको जो है लगा कर देखते हैं, क्योंकि ये खाली पे रुक नहीं रहा था ना, तो ये देख लें अब ये खाली पे रुक रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है इसी टॉपिक पे बनाई हुई थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड जो है मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैंने इस वजह से जो है मैंने बोला चलो इस टॉपिक के ऊपर जो है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो ये देख लें आप, इस तरीके से जो है इसकी गोली जो है इसी तरीके से होनी चाहिए इस पर जब आए तो, ठीक है। और जब ये जब खाली हो जाए, एम्प्टी हो जाए, तो इस जब हम इसको पीछे खींचें या फायर के दौरान ये पीछे हो तो ये इस तरीके से लॉक हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर जो है हल्का सा जो है और भी फ़र्क है, ठीक है। ये देखें, ये आराम आराम से जो है इसकी सेटिंग बनती जा रही है। थोड़ा सा फ़र्क और था जो मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको जो है थोड़ा सा और सेट करूँगा। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। तो ये मैंने लोड करा और ये एम्प्टी हो गया और ये पीछे रुक गया। ओके गाइस, तो भाई को जो है दुआओं में याद रखा करें, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए जो है वीडियो अपलोड करता हूँ। और जो है लाइक कर दिया करें, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन वीडियो आपको मिलें, ठीक है। तो ये देख लें आप किस तरीके से जो है ये हो गया है। देखें आपके लिए जो है वीडियो बनाते हैं, ठीक है। आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या फ़ायदा।
ठीक है ना, तो ये देख लें, ओके हो गया। तो अब जो है इसको जो है पाई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम परफेक्ट हो गया है। और ये जो इसका दूसरा मैगजीन है वो तो ऑलरेडी जो है सही था, तो ये भी मैं चेक कर लेता हूँ इसके अंदर तो इसकी क्या पोजीशन है, ठीक है। अगर इसके अंदर भी जो है छोटा मोटा कोई डिफेक्ट हुआ तो वो भी हम आपके सामने सही कर देंगे, ठीक है। तो ये एकदम सही है, ओके। इसके अंदर गोली भी हम चैम्बर करके देखते हैं, ओके गाइस। तो ये एकदम सही है, जो हमारा मेन फॉल्ट था वो इस वाले मैगजीन का था, दूसरे वाले का ये हमने ठीक कर दिया है, ठीक है। ये ब्रेटा पाकमेट पिस्टल है, ठीक है। लाइसेंस बनवाएं यार, लाइसेंस पे जो ना वेपन्स वगैरह रखा करें, आजकल बहुत आसानी से बन जाता है लाइसेंस। और जो ये पाकमेट पिस्टल है तकरीबन 35,000 या 32,000 का मिल जाता है ना आसानी से, तो ये अच्छा पिस्टल है। ओके गाइज, अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।